सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वाले। साबका सीएम कैप्टन नूं सौंपी जा सकती है बड़ी जिम्मेवारी, बनाया जा सकता है जम्मू कश्मीर का राजपाल। कुछ महीने पहला कैप्टन नूं महाराष्ट्र का राजपाल बनाने पर हुई सी चर्चा। कर्नाटक विधानसभा च दाखिल होया जाली विधायक, 15 मिनटा बाद पता लगी असलियत, पुलिस ने जाली विधायक नूं कीता गिरफ्तार। सिद्धू मूसेवाला नूं मान वाले गैंगस्टर प्रियवर्त फौजी दे भरा दा एनकाउंटर, एक साथी होया जख्मी। प्रियवर्त पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला दी हत्या दा दोषी। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। 2024 विच होण वालियां लोकसभा चोणां लई तैयारी कर रही भाजपा केंद्रीय मंत्री मंडल ते संगठन विच फेरबदल दे नाल नाल 3 सूबियां विच राजपाल नूं वी बदल सकती है। जम्मू कश्मीर दी सियासत विच इस समय पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दा नां चर्चा च है। 2020 राजपाल बने मनोज सिन्हा की जगह यह जिम्मेवारी कैप्टन नूं सौंपण ते विचार चल रहे। हालांकि कुछ महीने पहला उन्हां दे महाराष्ट्र दे राजपाल बनने ते भी चर्चा हुई सी, पर बाद विच इस ते विराम लग गया सी। साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 81 सालां दे हो चुके ने। कांग्रेस छड्डन दे बाद बनाएगी खेतरी पार्टी नूं भंग करन दे बाद उह भाजपा च शामिल हो गए सन। चर्चा है कि हुण जदों भाजपा ने साबका कांग्रेस नेता ते लोकसभा प्रधान बलराम दे बेटे सुनील जाखड़ नूं पंजाब प्रधान दा अहुदा दित्ता तां दूजे पासे कैप्टन नूं भी अहम ते वड्डी जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। जम्मू कश्मीर च बीते 2 दिनों विच 6 अमरनाथ यात्रियों की मौत हुई है। इस दे नाल ही इस साल सालाना यात्रा दौरान जान गवाउण वाले श्रद्धालुओं की गिनती 9 हो गई। अधिकारियों ने इन्हां मौतों का ब्यौरा तो नहीं दिता, पर अमरनाथ यात्रियों ते उत्थे तैनात सुरक्षा मुलाजमान की मौत का सब तो कारण ज्यादा उचाई ते घट आक्सीजन होने कारण दिल का दौरा पैना हुंदा है। अधिकारियों ने दस्सिया कि हुण तक यात्रा दौरान 9 लोगों की मौत हुई है, जदों कि 25 लोग जख्मी हुए। उन्होंने दस्सिया कि मृतकों च 8 यात्री ते ITBP का एक मुलाजम भी शामिल है। खुद नूं विधायक दस के कर्नाटक विधानसभा के अंदर दाखिल होए 72 साल एक व्यक्ति नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजम सदन विच दाखिल होण मगरों तकरीबन 15 मिनट तक विधायकों विच घूमदा रहा। पुलिस सूत्रां ने दस्सिया कि व्यक्ति की पछाण थिपरे दुर दे रूह विच हुई है ते उह खुद नूं सागर दा विधायक बैलूर गोपाल कृष्ण दस के विधानसभा विच दाखिल होया सी। सूत्रां मुताबिक उह देव दुर्ग दे विधायक करेमा दी सीट ते तकरीबन 15 मिनट तक बैठा रहा, जदों जनता दल सैकुलर दे विधायक शरणा गौड़ा कान कुर नूं शक होया तां उन्होंने सदन के मार्शल नूं सद्दिया। DCPR श्रीनिवास गौड़ा ने कहा कि मुलजम खुद नूं विधायक दस के सदन च दाखिल होया। गौड़ा ने दस्सिया कि असलियत पता लगन तो बाद मार्शल ने उसनूं फड़ लिया ते उसनूं पुलिस नूं सौंप दिता। हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा कस्बे के पिंड ढोडपुर नेड़े लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर प्रियवर्त फौजी का छोटा भरा मारिया गया, जदों कि एक होर नूं गोली लगी है। गड्डी विच 3 व्यक्ति सवार सन। मृतक का भरा प्रियवर्त उर्फ फौजी रंगदारी के पानीपत के कुरुक्षेत्र के मामले में दोषी है। प्रियवर्त पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का दोषी है। पुलिस ने उसकी लाश को मोर्चरी में रखवा दिता है, जख्मी तो पूछगिछ की जा रही है। इन्हां दे एक होर साथी बारे अजे तक कोई सुराग हाथ नहीं लगे। पुलिस अधिकारी फिलहाल कुछ भी नहीं दस रहे। मुकाबला रात लगभग 8 बजे होया दस्या जा रहा है ते पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है। फायरिंग विच दोवें बदमाशां नूं गोलियां लगियां। पुलिस ने 2 बदमाशां नूं काबू किया तां मौके ते दोवां नूं सिविल हस्पताल लिआंदिया। जांच इक नूं मृतक ऐलाना गया, जदों कि दूजे की हालत नाजुक होण कारण उसनूं PGI रोहतक रैफर कर दिता गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना ते राजस्थान के दौरे ते रहेंगे। पीएम मोदी सवेरे 10:45 ते तेलंगाना दे वरंगल पहुंचणगे ते एक जनतक प्रोग्राम विच हिस्सा लैणगे जिथे वह वख-वख प्रोजैक्टां दा नींह पत्थर रखणगे। पीएम मोदी शाम करीब 4:15 बीकानेर पहुंचणगे जिथे वह नींह पत्थर रखणगे ते राजस्थान के कई विकास प्रोजैक्टां दा उद्घाटन करणगे। इस तों बाद पीएम मोदी बीकानेर विच शाम 5 एक जनसभा नूं संबोधन करणगे। पीएमओ मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरंगल च करीब 6,100 करोड़ रुपए दे कई विकास प्रोजेक्टां दा नींह पत्थर रखणगे। तरन तारण विच एक औरत वालों घरेलू कलेश दे चलदियां अपनियां नूहां तो दुखी होकर खुदकुशी कर ली गई है। मरण तो पहला उक्त औरत ने अपनियां नूहां खिलाफ तंग परेशान करन कारण आत्महत्या करन दा खुदकुशी नोट भी लिखिया, जिस विच उसने अपनियां नूहां तो तंग परेशान करन कारण आत्महत्या करन दी गल लिखी है। फिलहाल पुलिस वालों परिवार के बयानां ते मामला दर्ज करन दी गल कीती गई है। मृतक दलजीत कौर की लड़की मनप्रीत कौर ने रोते हुए दस्सिया कि उन्हां दीआं भाबीआं घर च अक्सर ही कलेश करदीआं सन, जिस कारण उसकी मां ने इन्हां तो तंग आके खुदकुशी कर ली। उन्हां पुलिस कोलों इंसाफ की मांग की है। उधर चौंकी इंचार्ज ने कहा कि परिवार के बयान ले जा रहे हैं ते जेड़ा दोषी पाया गया उस खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लुधियाना च बीते दिन इको परिवार के तीन जियां दे होए कतल दे मामले विच वड्डे खुलासे होए ने। पुलिस की शुरुआती जांच यह गल सामने आई कि कातलां ने इस कतलकांड नूं हादसा बनाउण दी साजिश रची सी। उन्होंने घरेलू गैस सिलेंडर नूं घर दे अंदर ही खुला छड्ड दिता ते अगरबत्ती तुखा दिती सी। उन्हां दी साजिश सी कि गैस लीक होण तों बाद अगरबत्ती नूं अग लग जाएगी ते धमाके तों बाद घर नूं वी अग लग जाएगी, जिस विच तिन्हां दीआं लाशां सड़ जाणगीआं। तां इह कतल नहीं बल्कि इक हादसा लगेगा। हालांकि गैस लीक होण तों बाद वी अगरबत्ती तक नहीं पहुंची ते कतलकांड सामने आ गया। मृतकां दी पछाण चमन लाल उसकी पत्नी सुरिंदर कौर ते माता बचन कौर वजो हुई है। इन्हां दी उम्र 70 तों 90 साल के दरमियान है। उन्हां दे बच्चे विदेश च रहिंदे ने। शक है कि कतल गला घुट के किया गया। इस तों इलावा मृतकां दीआं लाशां ते चाकू के निशान भी मिले ने। उन्हां दस्सिया कि घर के अंदरलियां सारियां कुंडियां बंद सन, बाहर जाण दा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए यह समझ नहीं आ रहा कि कातिल अंदर किवें गया। इस तों इलावा घर के अंदर पिया गैस सिलेंडर भी खुला सी। पाकिस्तान के साबका प्रधानमंत्री इमरान खान के भरोसेमंद रह चुके अवान चौधरी ने उन्हां दी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नूं भंग करन दी बेनती नूं लैके सुप्रीम कोर्ट विच पटीशन दायर की है। चौधरी ने इमरान की गिरफ्तारी के विरोध विच 9 मई नूं देश के कई हिस्सों विच हुई बेमिसाल हिंसा विच साबका प्रधानमंत्री की कथित शमूलियत का हवाला देंदे हुए एक कदम चुकिया। कि ये जो झूठे केसेस उनको शर्म भी नहीं आ रही, मिलिट्री कोर्ट्स बनेंगे जी, क्योंकि ये अदालत ये जज ये ठीक नहीं है तो अब मिलिट्री कोर्ट्स में इसको फैसला करो। मैं तैयार हूँ, मैं मिलिट्री कोर्ट्स के सामने तैयार हूँ। अल्लाह करे मुझे मौका दे, मैं खड़ा होकर कौम के सामने अपनी अपना दफा कोई वकील नहीं रखूँगा, खुद बताऊँगा कि मेरे से किसने किस तरह की अपनी जातियात के लिए मेरे से जो किया मुल्क से गद्दारी की, मेरे से क्या कर रहे हैं। मुझे तो अल्लाह सब कुछ दे बैठा है, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे ऊपर किस तरह मुझे मारने की कोशिश की गई। जब देखा पार्टी ऊपर जा रही है, किस हमारे इलेक्शन पे इलेक्शन 30 इलेक्शन जीत गए, 37 में से सारी पुलिस भी है, गवर्नमेंट भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ खड़ी है, उसके बावजूद जीत रहे हैं, तब मारने की कोशिश की। तो ये जो इन्होंने तहरीक इंसाफ के कपड़ों में मफलर लेके वहाँ लोग होने थे, इनके लोग, वो दो आईजीज़ ने अपने लोग छोड़े हुए थे स्क्वाड्स, उन्होंने गोली चलानी थी, उस गोली के अंदर रिटेलिएशन में 1000 रेंजर तैयार किया हुआ था इन्होंने, यहाँ अटैक होना था जिसमें मुझे मार देना था, वहाँ से मैं बचता हूँ। तो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि जिस आदमी की जान को खतरा है वो तो नहीं ना भाग रहा है मुल्क से, खड़ा है यहाँ, सारी हर तरह की धमकियाँ हैं, हर रोज़ जब यहाँ से निकलता हूँ तो पता नहीं होता कि अल्लाह मुझे जिंदा वापस लेके आएगा।
भाजपा के संसद मैंबर ब्रिज भूषण सिंह की मुश्किल घट होने का नाम नहीं लै रही। हुण राउज एवन्यू अदालत ने 6 बालग महिला पहलवाना वालों WFI के सबका चेयरमैन ब्रिज भूषण सिंह विरुद्ध जिनसी शोषण के मामले में दायर चार्जशीट का नोटिस लिया। अदालत ने इस मामले च भाजपा के संसद मैंबर नूं पेश होने लिए कहा। अदालत ने ब्रिज भूषण शरण सिंह नूं समन जारी किया। समन च ब्रिज भूषण नूं 18 जुलाई नूं अदालत च पेश होने का हुक्म दिया गया। दोषी भाजपा संसद मैंबर तो इलावा अदालत ने विनोद तोमर नूं भी 18 जुलाई नूं अदालत च पेश होने का हुक्म जारी किया। दस दिए कि ब्रिज भूषण शरण सिंह खिलाफ गंभीर धाराओं तहत मामला दर्ज किया गया। बीते कुछ महीनों तो वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे मुखी अमृतपाल सिंह अपने साथियों नाल डिब्रूगढ़ जेल विच कैद है। इसे दौरान अमृतपाल सिंह वालों जेल चों एक चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी च अमृतपाल वालों कई मुद्दों नूं चुकिया गया। अमृतपाल सिंह ने जेल तो जिहड़ी चिट्ठी जारी की है जिस विच उसने लिखा है कि सिख कौम के अंथक सेवादार आसी मंजिल नूं समर्पित भाई अवतार सिंह खंडा ते भाई हरदीप सिंह निज्जर की शहीदी की खबर सानू जेल च पहुंची है। दोहां सिंघां दी सिख पंथ लई घालना ते शहादत नूं नाम करदे आ। शहीद भाई अवतार सिंह खंडा नाल साडी कौमी सांझ दे नाल निजी सांझ सी। उहनां दे पिता शहीद भाई कुलवंत सिंह खुकराणा दी शहादत सिख संघर्ष दौरान होई है। भाई अवतार सिंह खंडा ते शहीद भाई हरदीप सिंह निज्जर नूं सिखां दे राजसी निशाने लई समर्पित होण ते अडोल रहण कारण हिंद हुकूमत ने शहीद कीता। शहीद भाई अवतार सिंह खंडा की शहीदी नूं धुंधला करन लई हिंद हुकूमत ने उहनां दी शहादत नूं बीमारी कारण होई मौत वजों पेश कीता। खीर विच सिख नौजवानी तक संदेश है कि नशे त्यागो, अमृत छको ते त्यार बर त्यार रहो ते सिंह सजो। हुण नजर मारदे आं अज दे मौसम दे हाल दे बाद। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाज़त। धन्नवाद।